नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। ब्यौरा राजगढ़ से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। जिले में पुलिस कप्तान के कुशल मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 20/4/2022 को फरियादी हीरा लाल तंवर पिता देव सिंह तंवर निवासी ग्राम देवड़ी खेड़ा थाना भोजपुर ने सूचना दी थी कि लड्डू बाई पति फूल सिंह तंवर उम्र 22 साल की जरीवाला खोईरा बद्री के कुआ में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मर्ग की देहाती नालसी लेक की जाकर जांच उप पुलिस अधीक्षक सुश्री सनम खान के द्वारा प्रारंभ की गई। जांच के द्वारा पाया गया कि मृतिका लड्डूबाई के ससुराल पक्ष के उसका पति फूल सिंह तंवर, ससुर बाबूलाल तंवर, सास पार्वती बाई, ककिया ससुर हरि सिंह तंवर सर्व निवासीगण बेडीवे मृतिका को शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, जिस पर प्रताड़ित होकर मृतिका ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच पर आरोपी गण मृतिका के पति फूल सिंह तंवर, मृतिका के ससुर बाबूलाल तंवर, सास पार्वती बाई, ककिया ससुर हरि सिंह तंवर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 304B 498A 34 भादवी में पाए जाने पर भोजपुर में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस टीम गठित की गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। आरोपी मृतिका के पति फूल सिंह तंवर, मृतिका का ससुर बाबूलाल, सास पार्वती बाई को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोकामना प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खिलचीपुर सुश्री निशा रेड्डी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजगढ़ सुश्री सनम बी खान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भोजपुर अवधेश सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह राजपूत, उप निरीक्षक महेश गर्ग, एएसआई भगवान सिंह खींची, एएसआई मनोहर सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक रामगोपाल दांगी, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश प्रधान, आरक्षक महेश जटिया, प्रधान आरक्षक मोहन शर्मा, आरक्षक देवेंद्र, आरक्षक कमल, आरक्षक कृष्णा, आरक्षक राजीव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिनांक 20/4/2022 को थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम बेड़ीवे में नवविवाहिता लाडू बाई के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में है, जिस पर तत्काल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच दौरान मृतिका के परिजनों के कथन लिए गए, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतिका को उसके सास ससुर पति और काका ससुर लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया करते थे, जिस पर अपराध धारा 304B 498A 34 भावी का कायम किया गया। चूंकि प्रकरण गंभीर था, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर ही प्रकरण के आरोपी पति सास ससुर और काका ससुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया।